तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीन एम्ब्रोस क्या सच में WWE से चले जा चुके हैं और ये सबके मन में अभी तक जो कि काफ़ी ज़्यादा बात आ रही है कि डीन एम्ब्रोस हमें क्या अभी कुछ टाइम के लिए जैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है तो क्या वो WWE में हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो आज मैं इसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप देख रहे हैं रसल गुरु और मैं हरमन सिंह वीडियो में चलते हैं। मैंने नहीं ये बात तो मैंने शुरुआत में ही बता दी थी जिस वीडियो में मैंने बताया था डीन एम्ब्रोस रियली गोन। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था डीन एम्ब्रोस जो कि हैं वो WWE से चले गए हैं बट वो हमें आगे एज अ लाइव इवेंट पे देखने वाले हैं। तो वहीं मैं बात कर लेता हूँ उनके जो कि लाइव इवेंट जिसमें वो दिखने वाले हैं तो वो हमें फ्राइडे यानी कि 19 अप्रैल को एंटरप्राइज सेंटर जो कि है वो सेंट लुइस में MO में हमें वो दिखने वाले हैं। और वहीं मैं बात कर रहा हूँ दूसरी जगह तो वो वहीं पे मतलब फॉलोइंग जो कि है सैटरडे को 20 अप्रैल बैंक ऑफ स्प्रिंगफील्ड सेंटर जो कि है स्प्रिंगफील्ड में IL में देखने को मिलने वाले हैं हमें। वहीं वो संडे पे भी सेम फॉलोइंग 21 अप्रैल जो कि होने वाली है वहाँ पे टैक्स लेयर सेंटर जो कि है मोनेल में LA में वहाँ पे हमें देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे जो कि है हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ तो देखने को मिल रही है हमें तो नहीं चलो जो भी लाइव इवेंट वहाँ पे जो अटेंड करेंगे उन्हें देखने को मिलेगा बट अभी के लिए अगर मैं बात कर लूँ तो डीन एम्ब्रोस WWE के साथ 22 अप्रैल तक कॉन्ट्रैक्ट में है यानी कि उनका मैच अभी तक उससे पहले तो कोई भी नहीं है बट यहाँ पे वो वहाँ पे बुक है मैच के लिए। वहीं काफ़ी ज़्यादा जो कि लोग पूछ रहे हैं कि इसके ऊपर कोई मेजर अपडेट आई है तो हाँ डीन एम्ब्रोस के ऊपर ये मेजर अपडेट आई है कि डीन एम्ब्रोस जो कि वो WWE को शायद नहीं छोड़ रहे या फिर डीन एम्ब्रोस किसी बड़े सरप्राइज के साथ वापस भी आ सकते हैं। वहीं अगर मैं जो पहले कह रहा था स्मैकडाउन के ऊपर वापस आने के लिए डीन एम्ब्रोस जैसे वापस आ सकते हैं तो उस चीज़ को भी मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है वैसा जैसे कि एक्सपर्ट्स का कहना है क्योंकि जो कि डीन एम्ब्रोस के शोज़ होने वाले हैं जैसे कि मैंने आपको शोज़ बनाए 19, 20 और 21 को जो कि होने वाले हैं वो वाले शोज़ जो कि वो WWE के कम्प्लीटली रॉ ब्रांड के होने वाले हैं। वहाँ पे स्मैकडाउन को कुछ भी लेना देना नहीं है इसी वजह से मतलब कुछ तो उनमें से हैं जो कि कम्प्लीटली रॉ के हैं स्मैकडाउन शायद इसमें को ब्रांड में हुआ है दो में। वहीं मैं बात कर लूँ इसी वजह से जो कि हमें डीन एम्ब्रोस जो कि वो WWE से प्रॉपरली आउट नहीं देखने को मिलने वाले। यही मैं बात करूँ तो डीन एम्ब्रोस को जो कि यहाँ पे चांसेस है कि फिल्म साइन करने का यहाँ पे डीन एम्ब्रोस WWE स्टूडियोज के साथ मिलकर कुछ फिल्म्स बना सकते हैं यहाँ पे वो अपना हॉलीवुड करियर जो कि वो आगे लेकर जा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो बैकग्राउंड की थर्ड जो कि वहाँ पे फिल्म आई थी तो वहाँ पे डीन एम्ब्रोस ने एक्ट किया था और वो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी थी सबको फिल्म। पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो फिल्म देखिए उसमें डीन एम्ब्रोस की एक्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया है। हालांकि बहुत सारे रेसलर्स जो कि उनकी वीडियोज़ या फिर मूवीज वगैरह आती रहती है पर डीन एम्ब्रोस एक्टिंग सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया करी थी। तो मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत बोलना आप क्या सोचते हैं डीन एम्ब्रोस WWE से चले गए हैं क्या वो उन्होंने WWE को कम्प्लीटली पीछे छोड़ दिया है या फिर आने वाले टाइम में हमें WWE में वो देखने को मिलने वाले 6 महीने वाली बात सच है ये सब जो कुछ भी है तो मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत बोलना। तो बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए यहाँ तक वीडियो देख लिए तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और एक बात याद रखना आप देख रहे हैं रसल गुरु और मैं हूं हरमन।